रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन साउंड, रिफ्लेक्शन साउंड जो होता है क्या होता है, जिस तरीके लाइट रिफ्लेक्ट करती है उसी तरह से हमारा साउंड भी रिफ्लेक्ट करती है। तो इसे क्या कह सकते हैं, बाउंसिंग बैक, बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड आफ्टर स्ट्राइकिंग स्ट्राइकिंग फ्रॉम अ हार्ड सरफेस, हार्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होती है आमतौर पे हार्ड सरफेस पे ही होती है, इसे भी लिख देते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड टेक प्लेस एट हार्ड सरफेस लाइक बॉल, आयरन, आयरन स्टील, बोर्ड इटीसी। लेकिन ऐसा क्यों कि वो सॉफ्ट सरफेस जो होते हैं उन पर ऐसा नहीं करती है, सॉफ्ट सरफेस रिफ्लेक्शन नहीं दिखाती है, इसका रीजन ये होता है, सॉफ्ट सरफेस गेट एब्जॉर्ब द साउंड, सॉफ्ट सरफेस एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब द साउंड, सॉफ्ट सरफेस एब्जॉर्ब द साउंड सो दे आर द बैड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड, सो दे आर द बैड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड, बैड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड। जिस तरीके से लाइट को स्मूथ सरफेस चाहिए अपना रिफ्लेक्शन करने के लिए, उस तरीके से साउंड को कोई ऐसी स्मूथ सरफेस की जरूरत नहीं होती, इसलिए रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कैन टेक प्लेस ऑन एनी एट एनी काइंड ऑफ सरफेस, एट एनी काइंड ऑफ सरफेस डेट इज आइदर डेट इज रफ, आइदर डेट इज रफ और स्मूथ, चाहे वो रफ हो चाहे स्मूथ हो, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड दोनों पे हो जाता है, लाइट की तरह ऐसा नहीं होता। एंड वेवलेंथ जो होती है साउंड की वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लाइट, इसलिए उसे एरिया भी बड़ा चाहिए, वेवलेंथ ऑफ साउंड इज मच लार्जर, सो इट रिक्वायर लार्ज एरिया फॉर द रिफ्लेक्शन, फॉर द रिफ्लेक्शन, इसे रिफ्लेक्शन के लिए ज्यादा ही चाहिए, फॉर इट्स रिफ्लेक्शन, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा है इसकी एरिया भी, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो इसलिए वेवलेंथ ज्यादा होने से एरिया भी रिफ्लेक्शन भी ज्यादा चाहिए होगा, इस वजह से ये रिफ्लेक्शन जल्दी नहीं करती है, छोटे एरिया में रिफ्लेक्शन नहीं कर पाएगी, बड़े एरिया होगा तो उसमें रिफ्लेक्शन कर देगी, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड।
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। फर्स्ट, फर्स्ट इंसिडेंट रे ऑफ साउंड, इंसिडेंट रे ऑफ साउंड रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ साउंड, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ साउंड एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल लाई एट द सेम प्लेन, सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एक सेम प्लेन पर ही लाई करते हैं। ये हमारा पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है साउंड के लिए। सेकंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड जो होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के डायरेक्टली इक्वल होता है। हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको दिखाना चाहेंगे, जिस एक्सपेरिमेंट से आपको पता चल सकता है कि लॉ, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम करता है। देखिए, स्मॉल एक्सपेरिमेंट, स्मॉल एक्सपेरिमेंट, स्मॉल एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करने के लिए। यहां देखिए, ये हमारी एक बॉल है, ये बॉल, यहां पर हमारी एक घड़ी रखी हुई है, एक घड़ी, इसमें अलग 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 साउंड अलग अलग आवाज आ रही है। यहां से हमने एक ट्यूब लिया, ट्यूब हमने यहां से जोड़ा, ट्यूब यहां से जोड़ने के बाद में हमने ट्यूब को, ट्यूब को यहां से जोड़ करके फिर हमने यहां से ट्यूब को, दूसरी ट्यूब को यहां से यहां जोड़ा और यहां से इसे यहां जोड़ दिया। यहां पे हमारा ईयर लगा हुआ है, ये M1, ये M2, ये हमारा प्लेन है, प्लेन मिरर, ये हमारा प्लेन मिरर है। यहाँ पे यहाँ से हमने एक, यहाँ से ये जो है हमारा ट्यूब है, ट्यूब, ये T1, ट्यूब 1, ये ट्यूब नंबर 2। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि जब यहाँ से लाइट, सॉरी लाइट क्यों, आप यहाँ से देख सकते हैं कि जब यहाँ से साउंड, साउंड पैदा हुई, टिक 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 टिक, इस हमारी बॉस ने साउंड टिक 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 पैदा किया, तो हमने इसे देखने के लिए एक यहाँ से पहले एक छोटा सा काम और किया, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया हमने, क्या यहाँ से एक नॉर्मल, छोटा सा नॉर्मल ड्रॉ किया हमने, नॉर्मल एंड नॉर्मल, इधर हमारा एक नॉर्मल ड्रॉ हो चुका है। ये इस नॉर्मल से हमने देखते हुए हमने क्या किया कि एक साउंड की रे यहाँ से निकली और यहाँ पे आके स्ट्राइक किया। जब यहाँ पे आके रे ने स्ट्राइक किया तो हमने फिर दोबारा से देखा, फिर यहाँ पे हमने सेकंड, सेकंड ट्यूब को इस तरीके से अरेंज किया कि मैक्सिमम साउंड किधर आ रही है। तो मैक्सिमम साउंड हमने देखा कि अगर हम इस तरीके से रखते हैं, इस तरीके से रखने पर जो साउंड आती है वो मैक्सिमम साउंड आती है। तो हमने जो वो मैक्सिमम साउंड आ रही है, मैक्सिमम, मैक्सिमम साउंड जो आ रही है, वहाँ पे हमने ये देखा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है,
एंगल, ये वाला जो एंगल था जिस पर लाइट यहाँ पड़ रही थी, इसमें एंगल आई बोल दिया, और जिस एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो रही थी, जिस पर मैक्सिमम साउंड आ रही थी, उसे हमने आर बोल दिया, आर। हमने एक्सप्लेन करने के बाद में ये पाया कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो इस तरीके से हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड प्रूव होता है। और दूसरी बात हमने क्या देखा, नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड एंगल, तीनों के तीनों इसी एक जगह पा करके लाई करते हैं। आप देख यहाँ पे तीनों के तीनों यहाँ पे ही आके लाई कर रहे हैं, इसी वजह से ये जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी होल्ड करता है। इसको होल्ड करने की वजह से हमने इसको एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के द्वारा आपको ये समझाने की कोशिश की कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है होल्ड होता है।